नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बिहार बीजेपी किसान मोर्चा के दो दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाग लेने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय का बक्सर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा बक्सर रेलवे स्टेशन पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। रेलवे स्टेशन से सीधे वो कार्यक्रम स्थल अहिरौली में पहुंचे। बीजेपी के इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय, बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी समेत बीजेपी के दर्जनों नेता एवं सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक के माध्यम से बीजेपी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही दो दिवसीय बैठक के खत्म होने के साथ ही इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से बक्सर जिले के किसानों तक इन कल्याणकारी योजनाओं को बुकलेट एवं अन्य माध्यमों से पहुंचाया जाएगा। हम आपको बताते चले कि बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की इस बैठक में बीजेपी के बक्सर सांसद सह केंद्र राज्य मंत्री अश्वनी चौबे दूर रहे। अश्वनी चौबे की बैठक से अनुपस्थित रहना कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय रहा। भारतीय जनता पार्टी की बैठक से चुनाव मिली हुई हमारे यहाँ निर्धारित है कि बैठकें होनी है प्रदेश से लेकर मंडल तक की, भारतीय जनता पार्टी की भी, मोर्चों की भी प्रकोष्ठों की। सर, मेरा गांव मेरा देश जो नारा दिया है, क्या ये माना जाए कि 2019 का स्लोगन भी यही होगा? देखिए, मेरा गांव मेरा देश जो स्लोगन है, इसका मतलब देखिए, किसान मुख्यतः गांव में रहते हैं और किसान मोर्चा ने गांव को किसानों का गांव माना है और इसीलिए इन्होंने नारा दिया है मेरा गांव मेरा देश। तेजस्वी जी को तजुर्बे की कमी है, अनुभव की कमी है और शायद मैं यह कह रहा हूँ कि शायद किस प्रकार से बात करनी चाहिए इस संस्कार की। देश के किसानों की हालात को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि 60 साल तक जिसने इस देश पर राज किया है, जवाब उनको देना चाहिए। मोदी की सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। वही चुनावी साल में किसानों को लागत की 1.5 गुना समर्थन मूल्य देकर कहीं सरकार चुनावी लाभ तो नहीं लेना चाहती है के सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि सभी सरकार चुनावी साल में लाभ लेने की कोशिश करती है, हमने कोई नया काम नहीं किया है। जो लोग कहते हैं कि किसानों की हालात नहीं बदली हैं, उन्हें सच्चाई नहीं पता है। वही जब हमारे संवाददाता ने बक्सर जिले में किसानों की समस्या को लेकर सवाल उठाया कि किसानों की विकास की बात करते हैं लेकिन नहरों में पानी तक नहीं है, किसान धान की खेती कैसे करेंगे, सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि राज्य सरकार से बात कर जल्द ही इस समस्या को दूर किया जाएगा, 7 दिनों के अंदर नहरों में पानी छोड़ने की व्यवस्था होगी। हम आपको बताते चले कि बक्सर में बीजेपी किसान मोर्चा के 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त बक्सर पहुँचे हैं। हमको लगता नहीं है, हम जानते हैं और प्रमाणिकता के साथ कह सकते हैं कि पहली सरकार है जो चुनाव के पहले जो वादा किया है, कहा है, कर रही है, वो दिख रहा है। किसानों के हालात एक दिन में ख़राब नहीं होते, मैं किसान हूँ इसको जानता हूँ। और किसानों के हालात शासन के द्वारा अगर खराब हुए हैं तो 60 साल में शासन करने वाले लोगों को इस बात का हिसाब देना चाहिए और फिर 60 साल के और 4 साल के कार्यों को देख लेंगे तो किसानों की जो समृद्धि हुई है, खुद ही आप पत्रकार हैं, इस बात का अंतर लग जाएगा कि 4 साल में किसानों की समृद्धि किस तरह हुई है और शासन के कारण से 60 साल पहले किसानों की हालत क्या थी। राजस्थान के बिजोलिया में किसान ऋण माफी कार्यक्रम का आयोजन सामुदायिक भवन में किया गया। सितंबर 2017 तक लघु सीमांत किसानों के 1 से 2 हेक्टेयर तक के लोन की बकाया रकम के 50,000 रुपए तक के ऋण माफ किए, जिसमें 426 किसानों के कुल 1,63,00,000 के ऋण माफ किए गए। कार्यक्रम में जिला प्रमुख शक्ति सिंह हाड़ा, प्रधान नीता विजय, भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री संजय धाकड़ समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कैमूर भभुआ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भभुआ के व्यवहार न्यायालय में आयोजित किया गया, जिसमें 210 मामले निष्पादन के लिए आए, जिसमें 78 मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। क्रिमिनल कंपाउंड केस 179 में 63 का निष्पादन किया गया। विद्युत बिल संबंधी 20 मामलों में 3 का निष्पादन, शादी विवाह संबंधी 15 मामले में 3 एवं अन्य 10 केस में 7 केस का निष्पादन किया गया और इन मामलों में 20 लाख रुपए सेटलमेंट के साथ निष्पादित किया गया।
वही बैंकों के 740 मामलों को निष्पादित किया गया, जिसमें बैंक के 5,11,00,000 रुपए का ऋण वसूली किया गया। इस मौके पर सिविल जज सीनियर डिवीजन सह अध्यक्ष DLSA कैमूर मोहम्मद रुस्तम ने कहा कि नालसा के आदेश पर लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 14 टेबल का गठन किया गया है। नालसा के डायरेक्शन पर आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 14 बेंच का गठन किया गया है, जिसमें सभी न्यायिक पदाधिकारी हैं, जिसमें बैंक के मामले हैं और सुलहनीय जो क्रिमिनल केसेस हैं, सिविल केसेस हैं, बहुत तरीके के फैमिली डिस्प्यूट्स और वेट एंड मेजरमेंट्स, सारी जो केसेस हैं उसमें केसेस का आज डिस्पोजल किया जा रहा है। लोग लगे हुए हैं, हम लोग की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस का आज डिस्पोजल किया। बिहार के गया में 3 दिन पहले डेल्हा थाना क्षेत्र के बागेश्वरी मंदिर से गायब हुई 3 वर्षीय बच्ची गुनगुन को पुलिस ने बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस बच्ची को बुनियादगंज थाना क्षेत्र के नवधारिया गांव से बरामद किया है। यह जानकारी शनिवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए सिटी SP अनिल कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि वजीरगंज थाना क्षेत्र के नेवलचक गांव निवासी कमलेश यादव की 3 वर्षीय बच्ची गुनगुन अपनी नानी के साथ डेल्हा थाना क्षेत्र के बागेश्वरी मंदिर में एक शादी समारोह में हिस्सा लेने आई थी। इस दौरान वह वहां से गुम हो गई थी। मामले को लेकर बच्ची के मामा डेल्हा थाना क्षेत्र के छोटके नवादा निवासी सतन कुमार ने डेल्हा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस ने संजय नगर मोहल्ले में एक किराए के मकान में रहने वाली कुसुम देवी नामक महिला को हिरासत में लिया। ऐसी जानकारी मिली थी कि कुसुम ही उक्त बच्ची को अपने साथ ले गई थी और संजय नगर मोहल्ले के कुछ दूर पहाश्वर मोड़ के तरफ जाने वाली मार्ग पर छोड़ दिया था। बच्ची रो रही थी, जिसे रोता देख नवधारिया की एक महिला बच्ची को अपने साथ लेकर चली गई थी, पर पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी थी। बताया गया कि डेल्हा थाना अध्यक्ष मधुसूदन प्रसाद को सूचना मिली कि बच्ची नवधारिया गाँव में है। इसके बाद SSP राजू मिश्रा के निर्देश पर कई थाने की पुलिस नवधारिया पहुंची, जहां घर के बाहर रही गुनगुन को परिवार के एक सदस्य ने पहचान कर ली। इसके बाद बच्ची के साथ घर की महिला को भी पुलिस अपने साथ लेकर चली आई। डेल्हा थाना में बागेश्वरी मंदिर से 11 तारीख शादी समारोह में आए हुए एक गुनगुन कुमारी, जो कि लगभग 3 साल जिसका उम्र है, वो बच्ची गायब हुई थी। उसके संबंध में वहाँ उसके परिजनों के द्वारा पहले FIR दर्ज करवाया गया। उस केस के इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जो प्रारंभिक बातें आई, उसमें हुआ कि वहीं की एक स्थानीय महिला है कुसुम कुमारी, उसके द्वारा बच्ची को मंदिर परिसर से बाहर ले जाया गया था। उसमें आगे जब फिर उस महिला से पूछताछ हुई और उसके आगे जो चेन और लिंक मिलता गया, उसके आधार पर इस बच्ची को अभी बुनियादगंज थाना है, बुनियादगंज थाने में नौधरिया गांव है, वहीं से उसको सकुशल बरामद किया गया है। बच्ची अभी मिलती है और जो भी इसमें लिंक और एविडेंस आया है उसके आधार पर अभी कार्रवाई की जा रही है। बक्सर जिला और अपराध का रिश्ता बड़ा गहरा हो गया है। एक बात तो तय है कि अपराध के बढ़ते ग्राफ ने आम लोगों को असुरक्षा की भावना से भर दिया है। ताजा मामले में नगर थाना क्षेत्र के नई बाजार मोहल्ले में अपाचे बाइक पर सवार 3 नकाबपोश अपराध कर्मियों ने जिम संचालक को गोलियों से भून दिया। संचालक को चेहरे में 3 गोलियां लगी है, जिसमें उसका जबड़ा बुरी तरह टूट गया। वहीं उसके साथ बैठे एक अन्य व्यक्ति के पैर में गोलियां लगी हैं। बताया जा रहा है कि ब्लॉक के पास जिम का संचालन करने वाले नई बाजार वार्ड नंबर 7 के मूल निवासी शब्बीर शाह के पुत्र तौकीर शाह जिम के सामने कुर्सी लगाकर बैठे हुए थे। उनके साथ तांतो मोहल्ले के रहने वाले चंद्रिका प्रसाद का पुत्र गोविंद प्रसाद भी बैठे हुए था। तभी 3 की संख्या में अपाचे बाइक सवार अज्ञात नकाबपोश अपराधी मौके पर पहुंचे और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। घायलों को आनन-फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी खराब स्थिति को देखते हुए उन्हें PMCH रेफर कर दिया गया। फिलहाल मामले की पुलिस तफ्तीश कर रही है। लड़का जो ये पावर जिम चलाता था और यहाँ पे बैठा हुआ था बाहर मोटरसाइकिल पे, कोई अज्ञात लोग आए एक अपाची से, जैसा कि लोग बता रहे हैं। और अपाची से आने के बाद एक आदमी मोटरसाइकिल चला रहा था, 2 आदमी गोली चलाया, जिसमें दो लड़कों को गोली लगा है। अब आम लोगों के बीच सुरक्षित का क्या लीजिएगा, जब जब फोन करने के 1 घंटा के बाद प्रशासन वहाँ पहुँचा है और यहाँ पे मतलब ये इतनी मतलब चल
चलती हुई गली है और इस गली में घुसकर रात को मतलब अभी 9 ही मात्र बज रहा था, 9 भी शायद नहीं बजा था। आदमी आए थे जिसमें कि एक आदमी का थोड़ा ज़्यादा है गोलीबारी के चलते चोट, 5-6 जगह है, मोहम्मद तौकीर शाह और गोविंद कुमार नई बाजार के रहने वाले हैं। पेशेंट दोनों पेशेंट की स्थिति क्या है? एक की स्थिति गंभीर है, तौकीर की, गोविंद का पैर में लगा है, ये ठीक है, दोनों को हम लोग पीएमसीएच पटना भेज दिया। बिहार में बेतिया के नौतन थाना क्षेत्र के पश्चिम नौतन पंचायत के संतपुर कानी टोला गांव में मायके पहुंचाई गई नवविवाहिता ने शुक्रवार की रात्रि में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेतिया भेज दिया है। ग्रामीणों के कथनानुसार मृतक रीमा देवी संतपुर कानी टोला निवासी यादोलाल मुखिया की पुत्री है, जिसकी शादी 4 मई 2018 को बघा नौरंगिया के सेमरा डी निवासी विक्रम मुखिया के पुत्र अंगद कुमार से हुई थी। शादी के बाद ससुराल में दाम्पत्य जीवन विवादों में घिरा रहा। शुक्रवार की दोपहर ससुर विक्रम मुखिया और शिव पूजन मुखिया बुलेरो पर बैठा कर नवविवाहिता को उसके मायके छोड़ दिए, जहां रीमा ने गले में फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। इधर घटना के बाद गांव में चर्चा का विषय गर्म है। फिलहाल घटना के संबंध में पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। हकीकत क्या है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मालूम होगा। खून पिला सा सूचना दिला सा हम प्रशासन के सूचना देख लें अल तो जनबाज अंदर से जनबाज बनबा है बाद में प्रशासन अल सा खुलवा के जनबाज देखल गल तो लड़की जनबा अपन फसिल लगा के सुसाइड अपन पर। आइए बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर। हजारीबाग में रविवार को सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मामला सदर थाना क्षेत्र के खजांची तालाब स्थित एक अपार्टमेंट का है। बताया जाता है कि अपार्टमेंट में रहने वाले एक मरवाड़ी फैमिली जिनका नाम नरेश महेश्वरी है, उनका पूरा परिवार मौत की नींद सो गया। पुलिस को घटना स्थल पर पहुंचने के बाद मामले के जो खुलासे हुए हैं उनमें यह है कि उनके द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट से स्पष्ट होता है कि यह परिवार बीमारी और कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था, जिस कारण घर में आपसी तनाव काफी बढ़ गया था। अगर परिवार के सदस्यों की बात की जाए तो नरेश महेश्वरी जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है और उनकी पत्नी प्रीति महेश्वरी जिनकी उम्र लगभग 38 वर्ष है, दोनों घर के मुख्य कर्ता धर्ता हुआ करते थे। नरेश महेश्वरी ने सर्वप्रथम अपने पुत्र अमन अग्रवाल एवं अपनी पुत्री अंजलि अग्रवाल जो कि क्रमशः 8 वर्ष एवं 6 वर्ष के थे, उन्हें धारदार हथियार से काट कर हत्या कर दी। उसके बाद अपने पिता महावीर महेश्वरी एवं अपनी माता किरण महेश्वरी एवं अपनी पत्नी प्रीति अग्रवाल को फंदे से झुला दिया। उसके बाद खुद अपार्टमेंट की छत से कूदकर आत्महत्या कर लिए। हम सुबह सोए हुए थे, मेरी माँ ने आके उठाया, बोली उसके बगल में नरेश महेश्वरी जो है लगता गिरा हुआ बेहोश है, कुछ दिन से तबीयत भी उनका खराब है, देखो उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए। हम दौड़े हुए हैं आके देखे, देख रहे थे उनका सांस नहीं चल रहा था, तबीयत हो गया था, अस्पताल को खबर करवाया, थाना में जाकर सूचना दी। अब उसके बाद पता चला कि पूरा परिवार फांसी लगा लिया है, सभी का डेथ हो चुका है। परिवार में कुल कितने सदस्य थे? और कुल 6 लोग थे, उनके माता पिता, उसकी पत्नी और 2 बच्चे। किसी से कोई झंझट नहीं मिला? बहुत अच्छा परिवार। अच्छा, कारण क्या लग रहा है जैसे जो इसका जो घटना हुआ है इसका क्या मतलब लगता है? कर्जा में आप कहाँ रहते हैं, क्या नाम हुआ आपका? सरकारी योजनाओं का लाभ लाभुकों को नहीं मिल रहा है। इसका कारण है कि सरकार के कर्मी द्वारा लाभुकों से मोटी कमाई के जुगाड़ में लग जाते हैं। जो पैसे दिए तो योजना का लाभ मिलता है, नहीं तो लाभुक वंचित रह जाते हैं। कैमूर के रामपुर प्रखंड में चनकी में ऐसा ही हुआ है। आवास सहायक द्वारा 20,000 रुपए की मांग लाभुक से किया गया, लाभुक नहीं दिया तो वरीयता सूची में नाम पीछे कर दिया, जिससे लाभुक को पीएम आवास नहीं मिला। कच्ची मकान था वो भी गिर गया। झोपड़ी लगाकर एक माह से पूरा परिवार रहता है। इस गांव में एक लाभुक नहीं है बल्कि 8 लाभुक हैं, जो आवास मिलने का इंतजार कर रहे हैं। लाभुक द्वारा अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई पर कोई सुनवाई नहीं हुई। भभुआ SDM ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। आवास सहायक ने 20,000 रुपए का मांग किया,
नहीं देने पर प्राथमिकता सूची में पीछे कर दिया, जब 92 पर नंबर डाले हैं और जो पैसा दिया उन लोगों को आगे कर दिया है। अच्छा, मैंने उसका पक्का भी रहे उसको भी दे दिया, उसको दिया। सारा नियमावली 20,000 में तोड़ दिया। तोड़ दिया और आपको नहीं दिया जी? नहीं। अच्छा, उसके बाद आपका, आप कहाँ रहते हैं? इसी घर में, झोपड़ी में जो प्लास्टिक डाले। काय झोपड़ी में रहते हैं? सर ये मकान गिर गया है। कब गिरा मकान? एक महीना पिछले गिरा है। अच्छा, कहाँ कहाँ गुहार लगाए हैं? सर प्रखंड से लेकर जिला तक। मैंने इंदिरा आवास से हमनी के मंगनी जब घूस मांगे लगला, यही के चलते हमनी के कितना घूस मांगा था? 20,000 रुपया, यही के चलते हमनी के इंदिरा आवास ना देलन। अच्छा, तब मैंने कैसे रही मड़ई फूस डाल के बनी जाए? काहे काहे, जब 20,000 रुपया रही तब न दे पाल जाई। आई घर कब गिर गए? घर गिरल है 4 तारीख, मैंने एक महीना पहले। हाँ, एक महीना पहले। तो यही मड़ई में रही न जाए? हाँ, यही मड़ई में हमने के बनी जाए। अच्छा, तो का चाहत नहीं आप? हम चाहत नहीं कि हमरा के मिल जाते कॉलोनी। 20,000 अमित मांग रहा है रुपया। कौन अमित है? इंदिरा आवास है। आवास है? हाँ। तो सब लोग से 20,000 मांग रहा था? 20,000 रुपया मांग रहा है, नहीं देने पर कोई कुल नहीं अपन। तो ये पहले सूची में नाम था वो हटा दिया? हाँ, आगे पीछे कर दिया। और गांव में वैसल और जो पैसा दिया उसको बना दिया क्या? हाँ, जो पैसा दिया उसको बना दिया। तो आप लोग कितने बच गए हैं? 6 आदमी यहाँ पर बच। तो क्या चाहते हैं आप लोग? इंदिरा आवास चाहते हैं सर। सर बताया गया है कि झोपड़ी लगा कर रह रहे हैं, तो अभी आवास सहायकों को प्राथमिकता सूची बनाने की बात कही गई है और वो आवश्यक रूप से उस प्राथमिकता सूची में उस व्यक्ति को लिए होंगे। यदि नहीं लिए हैं तो किस कारण से नहीं लिए हैं वो कारण बताएंगे, और यदि जानबूझ करके छोड़ा गया है तो बिल्कुल उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में बालूमाथ थाना के फुकचू ग्राम के करीब 150 महिला पुरुष ने बालूमाथ थाने में हाथ में तख्ती लेकर दबंगों के द्वारा जमीन हड़पने को लेकर हंगामा किया। ग्रामीणों के अनुसार गांव के ही कुछ गांव के लोग नए खतियान के आधार पर हरिजन की जमीन को हड़पने का आरोप लगाया है, जो करीब 150 एकड़ जमीन है, जिसको कुछ गाँव के लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसमें खेती कर रहे हैं, जिसमें कई हरिजन के मकान भी इस खतियान में आ रहे हैं। वही करीब 75 घर हैं हरिजन के, जिसमें 500 परिवार रहते हैं, सभी घर से बेघर हो जाएंगे। वही ग्रामीणों का कहना है कि यह जमीन उनके पुरखों की है, कुछ दबंग इसको हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। जमीन के विषय में आए जो गज मजूरवा है रहती है, सब जमींदार महेंद्र यादव सब जोत रहा कर रहा, हम लोग बर्निक आदमी कहाँ जाए, सब घर दुरा सब कहता है कि हमको और उससे बेटी बहन के भी रख लेता है। राय है सब वही जोत रहे हैं, रेती हो चाहे गजमजुआ हो सब वही जोत रहे हैं, हम लोग जाए कहाँ, पहले को बेटी बहन जितना है सब वही रख के डरा के धमका के सब रख लिए, वही हम लोग का कुछ है ये नहीं, हम लोग घर घर पर है, जमीन भी नहीं है पीछे साइड, हम लोग रहे कहाँ, जितना है पहले डरा भी दिया और सबको धमका के भी, बेटी है सबको नौकर रखा, सबको हाथ वहाँ पकड़ा, हम लोग कहाँ जाए, सबको अथी कर लिया है डरा धमका के। अरे इसमें तू कौन है? पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर शनिवार को धमदाहा एसडीएम राजेश्वरी पांडे के द्वारा वर्षों से चल रहे जमीन विवाद को सुलझाया गया। मामला धमदाहा थाना क्षेत्र के माली पंचायत अंतर्गत बरेठा ग्राम का है। बरेठा निवासी ज्वालाकांत चौधरी के 64 एकड़ 80 डिसमील जमीन को सीलिंग एक्ट के तहत बिहार सरकार के द्वारा कब्जा कर लिया गया। कब्जा किए गए सीलिंग एक्ट के जमीन को भूमिहीनों के बीच लाल कार्ड बनाकर दे दिया गया, जिसके बाद भूस्वामी ज्वालाकांत चौधरी ने वर्ष 1995 में तत्कालीन जिलाधिकारी को जमीन को सीलिंग से मुक्त कराने के लिए आवेदन दिया। जिले में मामले की सुनवाई नहीं होने के बाद भूस्वामी ने पटना उच्च न्यायालय की शरण ली, जहां लंबे अरसे के बाद आखिर में भूस्वामी ज्वालाकांत चौधरी को अपनी जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए आदेश मिल गया, जिसके आलोक में शनिवार को बरेठा स्थित सीलिंग की जमीन पर पूर्णिया से आई पुलिस बल के साथ एसडीएम राजेश्वरी पांडे, बीडीओ रवि रंजन, अंचलाधिकारी अमर कुमार राय, थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार पहुंचकर कुल 14 एकड़ 80 डिसमिल जमीन को लाल कार्डधारियों के अर्जन से मुक्त कराया। वही इस मामले में दूसरे पक्ष के लाल कार्डधारियों ने बताया कि उन लोगों का भी पटना उच्च न्यायालय में 48B एक्ट के तहत मामले की सुनवाई चल रही है।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN24 पर। नमस्कार।